माय नेम इज़ सरस शर्मा। मैं आज आपको क्लास 10 के साइंस का लाइफ प्रोसेस चैप्टर समझाऊंगा। सबसे पहले माउथ, सबसे पहले हमने ऐसा समझिए, सबसे पहले मैंने खाना खाया, खाना क्या होगा, फिर क्या कहें, हमारे टीथ उसको च्यूइंग करेंगे, खाना को चबाएंगे, खाना चबाएंगे, चबाने के बाद क्या होगा, खाना का ब्रेक डाउन होगा स्मॉलर पार्टिकल में, ठीक है ना, जो कौन करेगा, टीथ करेंगे हमारे, एंड मिक्स विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सीक्रेट करते हैं, उसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और जो सलाइवा कंटेन द एंजाइम अमाइलेज, क्या करता है अमाइलेज, एंजाइम कंटेन करता है, कौन करता है, सलाइवा, ठीक है ना, विच कन्वर्ट स्टार्च इन टू सुगर, स्टार्च को सुगर में कन्वर्ट कर देगा, देन फूड प्रोसेसिंग थ्रू द इसोफेगस इन टू द स्टमक। देखो क्या हुआ, खाना खाया, खाना चबाया, खाना छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटा, उसके बाद वो सलाइवा से मिल होकर सलाइवरी अमाइलेज बनाएगा, अमाइलेज क्या करेगा यहाँ पे, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना, हमारे शुगर में, और देन फूड पासिस, हमारी जो आहार नाले बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, उसमें से अंदर इंटर होकर स्टमक में चला जाएगा, ठीक है ना। अब हम स्टमक में पढ़ेंगे डाइजेशन, स्टमक कैसे होता है, यहाँ पे देखिए, इसमें इधर देखिए, देखो द फूड लाइज अप्रोक्सीमेटली इन 4 आवर इन स्टमक, मतलब 4 घंटे खाना हमारे पेट में रहता है लगभग, है ना। आफ्टर रीचिंग द फूड इन स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस एंड द दिस इज द लाइट येलो एसिडिक लिक्विड। और इसमें क्या है, सबसे पहले खाना जब पेट में जाता है ना, तो एक गैस होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, HCl सीक्रेट करती है, ठीक है ना, और दूसरी ग्लैंड होती है तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, और दूसरी ग्लैंड होती है ऑक्सिलिंग ग्लैंड। देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, विजुअल है, देखो आफ्टर रीचिंग द फूड इन द स्टमक गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट द गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, ठीक है ना, सॉरी मैंने पहले गलत बता दिया, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करती है, और HCl करती है ऑक्सिलिंग ऑक्सिलेंटिक ग्लैंड सेल, ऑक्सिलेंटिक सेल क्या होती है, वो सीक्रेट करती है, ठीक है ना, उसका बैक्टीरिया कमिंग आउट द फॉर्म एक्सेलरेशन टू सीक्रेट इंजाइम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक द फूड एसिडी बाय द अमाइलेज रिएक्शन इन द सलाइवा। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मल इसको ऐसे समझिए, खाना गया, सबसे गैस्ट्रिक ग्लैंड ने गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट किया, ठीक है ना, ऑक्सिलेंटिक सेल ने क्या किया, तुम्हारा HCl सीक्रेट किया, ठीक है ना, और उसके बाद एक म्यूकस भी पाया जाता है, वो क्या करता है, जो HCl की जो कंसनट्रेशन होती है, उसे एसिडिफिकेशन होता है, वो हमारे मतलब जो स्टमक होता है उसकी वॉल को इफेक्ट ना करे, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले यहाँ से हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारे खाने में क्या क्या प्रोसेस है, माउथ में क्या प्रोसेस है, सलाइवा सीक्रेशन हुआ, उसके बाद खाना हमारे क्या स्टमक में गया, स्टमक में क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस आ गया और HCl आ गया, ये दोनों ने खाने को डाइजेस्ट किया और एसिडिक बना दिया इस खाने को। उसके बाद अब खाना कहाँ जाएगा हमारा, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस होगी खाने का, कैसे कैसे डाइजेशन होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में खाने का क्या क्या होगा, देखो ड्यूडेनम में जैसे ही खाना जाएगा तो लिवर से जो बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है, ठीक है ना, वो आ जाएगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, और पैनक्रियाटिक जूस आएगा वो भी उसमें मिल जाएगा, ठीक है ना, वो खाने को डाइजेशन और एल्कलाइन बना देगा, मतलब बेस फॉर्म में खाने को बना देंगे। उसके बाद क्या होगा, जो एज सुन एज द फूड रीचेज टू द ड्यूडेनम बाइल जूस फ्रॉम द लिवर कम्बाइंड विद इट, बाइल जूस इट इज द एल्कलाइन, मतलब मैंने कहा बेस फॉर्म में बना दिया, स्टमक में क्या था एसिडिक था, अब ड्यूडेनम में क्या हो गया, वो बेसिक फॉर्म में हो गया, बेस फॉर्म में हो गया, ठीक है ना, इट टर्न टू एसिडिक मीडियम इन टू फूड इन टू एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेस फॉर्म में, ठीक है ना, हेंस पेनक्रियाटिक जूस एंड पेनक्रियास कंबाइंड विद फूड एंड कंटेन 3 टाइप ऑफ एंजाइम, पेनक्रियाटिक जूस कौन से 3 टाइप के एंजाइम कंटेन करते हैं, ट्रिप्सिन अमाइलेज और लाइपेज। अब ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, और पॉलीपेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, और अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज स्टार्च को सोल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करता है, और लाइपेज करता है तुम्हारा इमल्सीफाइड फैट को ग्लाइसरोल में और फैटी एसिड में, जिन तीनों के बस आपको ऐसे TAL आगे का टी और AL ऐसे याद करके याद करना है, और बस इसमें क्या करना है, तीनों के नाम याद करके क्या क्या सीक्रेट करते हैं, क्या क्या रिलीज करते हैं, वो सब लिखना है बस यहाँ पे। अब देखो ड्यूडेनम में होगी, स्टमक में क्या
क्या था यहाँ पे देखना, स्टमक गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना, और एस सी एल सीक्रेट हुआ, जो एसिडिक खाना बन गया एससीएल एसिडिक, ठीक है ना। अब यहाँ पे ड्यूडेनम में क्या हुआ, एक तो बाइल जूस आ गया तुम्हारा, है ना, बाइल जूस आ गया और दूसरा क्या आ गया तुम्हारा, दूसरा तुम पेनक्रियाटिक जूस, जिससे क्या हुआ एल्कनाइन बन गया तुम्हारा खाना, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब खाना ड्यूडेनम के बाद में जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेशन फूड स्टार्ट, खाने को एब्जॉर्ब करना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रॉम द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब खाना यहाँ पे ऐसे इंटर जाएगा, यहाँ पे डाइजेशन प्रोसेस रुक जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, खाना को एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे इसकी जो वॉल है ना, वो एक जूस सीक्रेट करेंगे, इंटेस्टाइनल जूस, है ना, और जो क्या करेगा, खाने को डिफरेंट टाइप में बदलेगा। देखो ऐसे इसमें एक रिप्शन एंजाइम सीक्रेट होगा, माल्टोस होगा, सुक्रोस होगा, लैक्टोकोको लाइपेज होगा, अब इनका सबका कन्वर्ट। रिप्शन क्या करेगा, रिमेनिंग जो प्रोटीन और पेप्टोन बचता है उसको अमीनो एसिड में चेंज कर देगा, और माल्टोस क्या करेगा, माल्टोस खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और सुक्रोज क्या कर देगा, सुक्रोज ग्लूकोज को फैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, लैक्टोज ग्लूकोज को ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा, और लाइपेज का तो यहाँ पे हमने पढ़ी लिया था, क्या करते हैं, मल्टीफाई फैट को ग्लाइसरोल फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये सारे एंजाइम हुए यहाँ पे सीक्रेट हुए और ये सारे मिल गए और हमारा खाना एब्जॉर्ब हो गया। एब्जॉर्ब होने के बाद अब खाना हमारा क्या हुआ, किसके साथ मिक्स हो गया, ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और ब्लड के साथ मिक्स होने के बाद डिफरेंट सेल के पास पहुंचेगा और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन में होगा। द एब्जॉर्ब फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड असिमिलेशन। डिफेक्शन में क्या होगा, डिफेक्शन में होगा क्या है, जो हमने खाना खाया है और जो पूरा डाइजेशन प्रोसेस हुआ है वो फिर बॉडी से रिमूव्ड आउट हो जाएगा कुछ समय के बाद। रेस्पिरेशन क्या होता है, ये अगला टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। देखो रेस्पिरेशन मैंने बताया था, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में आपको पता है डिफरेंस होता है दोनों में। ब्रीथिंग क्या होता है, सिर्फ हमने सांस ली ऐसे करके और छोड़ दी, ठीक है ना, वो ब्रीथिंग में हो गया। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किस में होता है, सेल्स में होता है, ठीक है ना, बॉडी के सेल्स में। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज करते हैं विथ देयर एनवायरमेंट के साथ, पर्टिकुलरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इट टेक्स प्ले इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल, ठीक है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक द एटीपी मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड एडीपी मॉलिक्यूल्स एडेनोसिन डिफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब इसमें क्या होगा, देखो ना बेटा, एडीपी का क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये दोनों मिलके क्या किस में वो चेंज हो जाएंगे, एटी में चेंज हो जाएंगे। अब एनर्जी स्टोर इन द सेल में जो एनर्जी स्टोर हुआ है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, जो सेल होती है, सेल में एनर्जी किस में स्टोर होती है, एटीपी के फॉर्म में। व्हेन द सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी की नीड होती है ना, तो एटीपी क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर, और क्या बन जाता है, एडीपी बन जाता है, और एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब रेस्पिरेशन में दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक तो एरोबिक, दूसरा होता है एनोरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक यहाँ पर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर कम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड हो जाता है, फूड जो होता है ना वो कम्प्लीट ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 38 एटीपी की रिलीज टेक प्लेस एज अ रेल CO2 H2O फॉर्म एंड द एनर्जी रिलीज, और एनर्जी रिलीज हो जाती है यहाँ पर, ठीक है, 38। अब एनोरोबिक रेस्पिरेशन में क्या कहेंगे, एनोरोबिक रेस्पिरेशन किसके प्रेजेंस में होगी, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगी, यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन का फॉर्म, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा क्या फूड, ठीक है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है ना। और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में करेंगे तो ये अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा और यहाँ पे ओनली 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे ना, यहाँ पे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो रहे हैं ना, 2 एटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बस यहाँ पे। और ये किस पे मोस्टली पाई जाती है, ईस्ट में होती है, और ईस्ट में और एंड प्रोडक्ट ईस्ट में क्या बनता है, ऐसे ईस्ट इट कंटेंट बैक्टीरिया इथाइल एल्कोहल इथेनॉल इज प्रोड्यूस, ठीक है ना, इथेनॉल बनता है, ठीक है ना। थर्टी एट ए टी पी रिलीज होती है, ठीक है ना।